पुलिस पर कार्रवाई। खंडवा शहर के इमलीपुरा क्षेत्र में शकर तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तालाब जो कि पहले अतिक्रमण की चपेट में था, नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने वहां से अतिक्रमण हटाकर तालाब को व्यवस्थित किया था, लेकिन लगातार हुई बारिश से इस बार तालाब में काफी पानी भरा गया और बच्चों के लिए नहाने के लिए यह तालाब आकर्षण का केंद्र के साथ तैराकी का केंद्र बन गया। नगर निगम की लापरवाही के चलते इस तालाब पर बच्चे नहाने गए थे। मुग्ध थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह तालाब आता है, जहां पर अरसलान कुरेशी उम्र 12 वर्ष, मोइन कुरेशी उम्र 10 वर्ष, उबेद कादरी 12 वर्ष की गहरे पानी में चले जाने के कारण डूबने से तीनों बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पूर्व में भी नागचुन तालाब पर कई बच्चों की मौतें हुई है, उसके बाद भी नगर निगम प्रशासन जागा नहीं। बताया जा रहा है कि 3 बच्चे शकर तालाब पर नहाने के लिए जैसे ही तालाब में उतरे, उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने से वह तालाब के गहरे पानी में डूबने लगा। घटना की जानकारी क्षेत्रवासियों को लगी तो काफ़ी लोग शक्कर तालाब पर पहुँच गए। वहाँ मौजूद गोताखोरों ने 2 बच्चों को तालाब से बाहर निकाला। बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया, वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट।